मैनपुरी थाना कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से एक अभियुक्त वाहिद अली पुत्र वाजद अली निवासी ग्राम सरैया थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 अवैध तमंचा, 2 देसी तमंचा, ध्वनि कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। अभियुक्त सादिक उर्फ सद्दाम पुत्र नामालूम निवासी नामालूम जिला एटा मौके से फरार हो गए। पूछताछ में पता चला गिरोह कई समय से अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा है, अवैध असलहों को बनाकर कम दामों में बेच दिया करते थे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी विनोद कुमार ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। हमारे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रदीप सेंगर और उनके टीम ने एक वाहिद अली जो सिकंदरपुर का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से जो ये शस्त्र फैक्ट्री का पूरा सामान पकड़ा गया है, इसमें 3 निर्मित असलहे दुपट्टे हैं और 2 रिपेयर के, और इसके साथ साथ कुछ कारतूस और थोड़ा कारतूस भी बरामद हुए हैं और पूरी शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो एक बड़ी कामयाबी है इसको गिरफ्तार करके। सर कब से चल रही थी? अब इसके बारे में जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया गया। कोई फरार भी चल रहा है? वाले में कोई फरार है? एक की जानकारी और हुई है कि उसके साथ शामिल था और फरार चल रहा है, उसकी भी सीख ली।